हेलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद चर और डिम्पल आयिस्ता और जगपति बाबू है छाया कांड की बात करें तो वेल्टी पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पाँच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन जी के द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती है और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइफ पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम दो जून 2023 को सोनी लिव पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वार का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पांच में से दो दशमलव पांच सितारे दिए और लिखा कि रामबंद एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के पर्यादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के चेरु कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समयबंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपर्मा के साथ देखे गए जहाँ पर त्रिकिष्टोन के कारण टेस्टो के वितासन्य और नगाधुर को पाँच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबंद को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मानांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया रामवंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ़ करता है और राजमाराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्योर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों की प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जयम के साथ दो में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील रोड ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रवास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलु विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वाम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहां पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी श्रृंखला के रिमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञा अनुदारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राराजू के लिए अभिनय किया और उनकी दो की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो दो के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि 2011 में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कल्याण में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी दो में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपत द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का क्रम सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा क्रिप्ट को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को दो को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने 2013 के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून उन्नीस को भारतीय फिल्म निर्देशक पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है इसमें दंपत के साथ नंदनी को 20 जून उन्नीस सौ का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक तो सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगेन नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तामन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर दो में हुई थी दो के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रांचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिंपल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिम्पल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हास्ती के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आयती ने उन्नीस साल की उम्र में तेलुगु फिल्म के साथ गल्फा 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया अरव्य तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम विराज चन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सौ सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्म पुरस्कार साथ रंजनी राज पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के रेड्डी द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यनंद और गुणशेखर के शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पीवी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार कमिक के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक शर्तिक्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफ़ी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदिनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरपति की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इस मात को जगुआरा प्रति पक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुर्गना के मोहनलाल के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुम्बन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगना स्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर शरथ रंगना स्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए और उसे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगर उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथी जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्व प्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें अटैक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लिखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वही पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा गया वहीं इसका उत्पादन टीजी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद चर और डिम्पल और जगपति बाबू है छाया कांड की बात करें तो वेल्टी सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पांच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि इस कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती है और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती है और साथ साथ उस की रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई दो को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइव पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए तो फिल्म को प्रीमियम 2 जून 2023 को सोनी लिप पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वारा का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले एक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सिक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के चेरु कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समय बंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपरमा के साथ देखे गए जहां पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टोल के वितस्य और नगाधुर को पाँच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबंद को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मनांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया राम बंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्यूअर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों के प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जैव के साथ दो दो में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्ट रो ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रवास की वामसी द्वारा रेड्डी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलु विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वॉम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहां पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी शिष्य के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञा अनुधारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राराजू के लिए अभिनय किया और उनकी 2007 की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो 2008 के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयरम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि दो में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कल्याण में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपत नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना चूरीवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का क्रम सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को दो को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने 2013 के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून उन्नीस को भारतीय फिल्म निर्देशक पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने हैं। के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में राचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तमन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा दस दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी 2020 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हायाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिम्पल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हास्ती के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आयथी ने 19 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म के साथ गल्फक दो में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया अरवर्ण तेजा के आर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम विराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्म पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविन्द सत्यानंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लीट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के वोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पीवी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौधार कमी के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक क्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदिनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरवती की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इस मात को जगुआरा प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुरगना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगना स्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरत रंगनास्थल के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए और उससे उजागर किया गया बताया गया कि यह मूवी काफी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगर उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहां पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथिक जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्व प्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें अटैक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वही पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा गया वहीं इसका उत्पादन जी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद और और जगपति बाबू है छायाकान की बात करें तो वेल्टी सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पांच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि इस कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन के 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 द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी का और अपनी प्रेमिका भैरव साथ झूलने लगती सुलझने लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती है और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती है और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल अधिकारिक सोनी लाइफ पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट अधिकारिक स्टार माँ द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम दो जून दो को सोनी लिव पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वार का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंद एक अधिनियम वाले एक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के चेरु कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समयबंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपर्मा के साथ देखे गए जहां पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टो के वित और नगाध को पांच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाँध को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मानांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया और के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्यूअर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी आर करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों के प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु सा अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जैन के साथ दो 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 और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्टरो ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और कृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रभास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलु विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वामसर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहाँ पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी श्रीष्य के रिमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञा अनुधारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और दो हज़ार छः में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामच व्यावसायिक रूप से असफल राराजू के लिए अभिनय किया और उनकी दो हज़ार सात की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो दो हजार आठ के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि 2011 में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कल्याण में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पतंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना चूरीवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का क्रम सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुवान था उन्होंने 2013 के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म बीस जून उन्नीस को भारतीय फिल्म निर्देशक पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती और इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ अस्सी का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदिनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी बेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहां पर 32 केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भाटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तमन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर दो में हुई थी दो के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हायाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिम्पल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हास्ती के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आयथी ने 19 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म के साथ गल्फक दो हज़ार में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया अरवर्ण तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस उनीश्वार को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्मेयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के रेडी द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यनंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के वोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पीवी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावीण निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक के साथ देखे गए। वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफी बेहतरीन है, जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और एक सौ सत्तर से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक दो हज़ार चौदह के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदल कर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरवती की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इसमात मात को जगुआरा प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुरगना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगना में सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू और नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरथ रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए उसे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी और समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथी जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्व प्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें अटैक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हेलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रामबान फिल्म के बारे में जो दो हजार तेईस के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद गोविंदचर और डिम्पल आयिस्ता और जगपति बाबू है छाया कांड की बात करें तो वेल्टी पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पाँच मई 2023 को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि कोलकाता में एक गैंगस्टर को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता है और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती है और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती है और अपनी भैरव के साथ सुलहझाने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई दो को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइव पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए तो फिल्म को प्रीमियम 2 जून 2023 को सोनी लिप पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वारा सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के, के चेरुकुरी कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समय बंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपरमा के साथ देखे गए जहां पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टो के वितासन्य और नगाधूर्न को पांच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबंद को कथा व्यवसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मनांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया राम बंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्योर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते दृश्य आकृतियों की प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पुड़ी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जैन के साथ दो 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 में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्ट रोड ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहाँ पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रवास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलु विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वाम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहां पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी श्रृंखला के रिमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञा अनुदारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राराजू के लिए अभिनय किया और उनकी दो की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो दो के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयरम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि 2011 में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कलिया में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का क्रम सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा क्रिप्ट को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के 30 फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने 2013 के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून उन्नीस को भारतीय फिल्म निर्देशक पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक तो सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तविजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तमन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा दस दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी 2020 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म दस सितंबर दो को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हाईस्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना हुआ था उनका माता डिंपल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हाईस्टिक के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आई ने ना 19 साल की उम्र में तिरغول फिल्म के साथ गल्फक 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया कियाव तेजा के आर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम विराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगू सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्मेयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के रेड्डी और गोपाल वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यनंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पीवी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार कमिक के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक क्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफ़ी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरवती की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इसमात मात को जगुआरा पक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुर्गना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगना स्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरत रंगनास्थल के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए और उससे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी और समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहां पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथिक जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्व प्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें अटैक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लिखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा गया वहीं इसका उत्पादन टी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद चर और डिम्पल हास्ता और जगपति बाबू है छायाकान की बात करें तो वेल्टी पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पाँच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं बताया जाता है कि इस कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन के द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइफ पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम दो जून 2023 को सोनी लिव पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वार का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंद एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बॉयरल है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सिक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के चेरु कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समय बंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहाँ पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपर्मा के साथ देखे गए जहां पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टो के वित और नगाधुर को पांच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबंध को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मानांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया रामवंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्यूर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों के प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जैम के साथ दो 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 और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुई और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्टरो ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रवास की वामसी द्वारा रेड्डी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलु विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वाम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहाँ पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी श्रृंखला के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञा अनुदारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राजू के लिए अभिनय किया और उनकी दो की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो दो के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि 2011 में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई 2014 में उन्होंने वो कल्याण में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का क्रम सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के सार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगानंद था उन्होंने दो के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदिनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून 1980 को भारतीय फिल्म निर्देश सक पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती और इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ अस्सी का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वी एस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदिनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी बेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहां पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भाटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तामन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी 2020 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रांचा को भी और गोवन नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिम्पल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हास्ती के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आयथी ने 19 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म के साथ गल्फक 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया अरव्य तेजा के आयुर्वैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्म फिल्मेयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यनंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पीवी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से माँ प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहाँ से अपनी समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावीण निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस सौ के रिलीज पौधा कमी के साथ हुआ और उन्नीस सौ तिरानवे में राम गोपाल चैरिक के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक क्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अमरवती की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इसमांत को जगुआरा प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुरगना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरथ रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए और उससे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथिक जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्वप्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें साउंडटेक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हेलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुजे भोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद चर और डिंपल और जगपति बाबू है छाया की बात करें तो वेल्टी पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पांच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन जी के द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता है और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती है और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती है और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई दो हजार को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइव पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे, फिल्म को प्रीमियम 2 जून 2023 को सोनी लिव पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वारा का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के पर्यादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के, के चेरुकुरी कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समयबंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपर्मा के साथ देखे गए जहाँ पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टोर के और को पांच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाँध को कथा मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मनांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया राम के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्यूअर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी आर करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों के प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु सा अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जयम के साथ दो 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 में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील रोड ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रभास की वामसी द्वारा रेड्डी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलू विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहाँ पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी श्रीष्य के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञात अनुधारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यवसायिक रूप से सफल रामच व्यवसायिक रूप से असफल रा राजू के लिए अभिनय किया और उनकी 2007 की रिलीज ओकंडा नायडू और, और लक्षण जो 2008 के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि 2011 में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कलिया में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का क्रम सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा स्क्रिप्ट्स को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीनवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को दो को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने 2013 के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून उन्नीस को भारतीय फिल्म निर्देशक पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहां पर 2010 में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और 50 दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और 13 जुलाई तक 2012 में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तामन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी 2020 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिंपल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हाइस्टी के साथ छोड़ लिया था वहीं पर हाइस्टी ने 19 साल की उम्र में तीर्गु फिल्म के साथ गलफांग 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया वन तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्म फिल्मेयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के रेडी द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यानंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर कर दिया और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पी वी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार कमिक के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक शर्तिक्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफ़ी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अमरपति की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इसम को जगुआरा प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुरगना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कही वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरत रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए उससे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु जयसुदा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथी जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्वप्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें साउंड टेक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हल्लो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद गोविंदचरण और डिम्पल आयिस्ता और जगपति बाबू है छायाकान की बात करें तो वेल्टी पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पाँच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं बताया जाता है कि इस कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती है और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई २०२३ को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइफ पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम दो जून २०२३ को सोनी लिव पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वार का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले एक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी ड्रेस और एक्शन सिक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के, के चेरुकुरी कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समयबंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहाँ पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपरमा के साथ देखे गए जहां पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टोर के वित और नगाधुर को पाँच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाँध को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मानांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया राम बंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्योर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों की प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जयम के साथ दो दो में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुई और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्टरो ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रवास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु में प्रोड्यूसर के गोविंद थिलू विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है, वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वॉम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहां पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी शिष्य के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञा अनुदारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राराजू के लिए अभिनय किया और उनकी 2007 की रिलीज ओकंडा नायडू और, और लक्षण जो दो के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि दो में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कल्या में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का कर्म सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा क्रिप्ट को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के सार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने दो के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदिनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून 1980 को भारतीय फिल्म निर्देश पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती और इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ अस्सी का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक तो सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहां पर 2010 में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भाटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तामन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर दो में हुई थी दो के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर दो को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना हुआ था उनका माता डिंपल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हाईस्टिक के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आई ने ना 19 साल की उम्र में तिरغول फिल्म के साथ गल्फक 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्विभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया अरव्य तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीराज चन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सौ सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्मेयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के रेड्डी द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यनंद और गुणशेखर के शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पी वी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार कमिक के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक शर्तिक्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफ़ी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदिनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरपति की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इसमात मात को जगुआरा प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुर्गना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुम्बन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगना स्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर शरत रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए और उसे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु जयसुदा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथिक जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्वप्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें साउंड टेक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो दो हजार तेईस के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वही पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद चर और डिम्पल आस्था और जगपति बाबू है छाया कांड की बात करें तो वेल्टि पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पाँच मई 2023 को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि कोलकाता में एक गैंगस्टर को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन के द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती है और अपनी भैरव के साथ जाने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को मई को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल अधिकारिक सोनी लाइव पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम 2 जून 2023 को सोनी लिप पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वार का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सिक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के चेरु कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समयबंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपर्मा के साथ देखे गए जहाँ पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टो के वित और नगाधुर को पाँच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबाँध को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन सर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहां पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया और राम बंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्योर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य आकृतियों के प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पुड़ी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थोलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जैम के साथ दो हजार दो में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्टरो ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रभास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलू विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहाँ पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी श्रीष्य के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञात अनुधारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यवसायिक रूप से सफल रामज व्यवसायिक रूप से असफल रा राजू के लिए अभिनय किया और उनकी 2007 की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो 2008 के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि दो में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कलिया में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का कर्म सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा क्रिप्ट को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने दो के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून 1980 को भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून 1980 के जन्मगा इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में सौ से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तविजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तमन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा दस दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी 2020 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवन नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हाईस्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिम्पल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हास्ती के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आयथी ने उन्नीस साल की उम्र में तेलुगु फिल्म के साथ गल्फक दो में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया अन्न तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सौ सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्मेयर पुरस्कार साथ रंजनी राज पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के रेड्डी द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविन सत्यनंद और गुणशेखर के शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पी वी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावीण निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार कमी के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक शर्ती क्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और एक से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक दो के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदल कर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरपति की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इसम को जगुआरा प्रति पक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुर्गना के मोहनलाल के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगनास्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू और नामांकित के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरत रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए उससे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु जयसुदा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथी जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्वप्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें साउंड टेक और बेलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुजे बोटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद गोविंदचरण और डिम्पल आयिस्ता और जगपति बाबू है छाया कांड की बात करें तो वेल्टी पलनान सामी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पाँच मई 2023 को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि इस कोलकाता में एक गैंगस्टर को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन के द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती है और अपनी भैरव के साथ सुलहने के साथ मुद्दे को संभालती और साथ साथ उसकी रक्षा करने सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम 2 जून दो हजार तेईस को सोनी लिप पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वारा सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेईस तेलुगु में से पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी ड्रेस और एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के चेरु कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रियों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समय बंद को गलत विरोध रमा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपरमा के साथ देखे गए जहां पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टो के वितासन्य और नगाध को पाँच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबंध को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मनांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहां पर खाके में बदला है पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया राम रामवंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्योर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते हैं दृश्य प्रस्तुति करते वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थौलिक वालाउ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जयम के साथ दो हजार दो में में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्टरो ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रभास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलू विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ वॉम्सर के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहाँ पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तमिल भाषा में उसकी शिष्य के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञ अनुदारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राराजू के लिए अभिनय किया और उनकी 2007 की रिलीज ओकंडा नायडू और लक्षण जो दो के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस पुलिसदया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि दो में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल अच्छा रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कल्याण में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पथंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपद नंदनी द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमरना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा क्रिप्ट को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के सार्किक को देखा गया और श्रीवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुन था उन्होंने दो के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं पर अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदिनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून 1980 को भारतीय फिल्म निर्देश पाठकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है इसमें दंपत के साथ नंदिनी को 20 जून उन्नीस सौ अस्सी का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक प्रत्येक प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और 50 दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और 13 जुलाई तक 2012 में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में दो से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तामन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर 2019 में हुई थी 2020 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रामचा को भी और गोवन नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हयाता भी है बात करें तो डिम्पल हाईस्थी की जो भारतीय अभिनेत्री है। जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना हुआ था उनका माता डिंपल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हाईस्टिक के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आई ने ना 19 साल की उम्र में तिरغول फिल्म के साथ गल्फक 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के द्वभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया वन तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीरा चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशोवर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैंतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्म एयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के सत्यानंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर कर दिया और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पी वी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगू से माँ प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहाँ से आपने समीक्षा को लाए और वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौधार कमिक के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक शर्ती क्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफ़ी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरणों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदिनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरवती की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने इस मात को जगुआरा प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुर्गना के मोहन के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुम्बन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगना स्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू नामांकित गांव के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है वहीं पर शरथ रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए उसे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी और समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविकन करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथी जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्व प्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें साउंडटेक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं पर देखे गए और उनमें से कहा जाता है कोई भूमिका को लंबे समय तक उजागर करते रहे वहीं पर राम हलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रामबान फिल्म के बारे में जो 2023 के भारतीय तेलुगु भाषा के एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कहानी के लेखक निर्देशक श्रीनिवास भूपति राजा द्वारा लिखी गई वहीं इसकी बात करें तो इसका निर्देशक श्रीवास है वहीं पाठकथा के लेखक भी श्रीवास है वहीं संपादक मधुसूदन पदमा मदी द्वारा किया गया वहीं कहानी भूपति राज द्वारा किया गया वहीं इसका उत्पादन टी जी विश्व प्रसाद विवेक कुटा द्वारा किया गया वहीं अभिनेता के रूप में गोविंद चर और डिम्पल और जगपति बाबू है छाया कांड की बात करें तो वेल्टी पलानी है वहीं संपादक के रूप में प्रवीण पुरी है वहीं संगीत को मीजे मेयर द्वारा दिया गया वहीं पर इसकी प्रोड्यूशन कंपनी लोक मीडिया रही थी वहीं पर बताया जाता है कि इस मूवी को पांच मई दो को रिलीज किया गया था और यह भारत के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को रिलीज कर दिया गया था वहीं पर बताया जाता है कि कोलकाता में एक गैंगस्टर विक्की को पता चलता है जब उसका भाई राजमोहन द्वारा खतरे से खाद धोखाधड़ी का कारोबार चलता और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ झूलने लगती है और सुलझने के लिए इसके मुद्दे को संभालती है वहीं पर देखा जाए तो यह मूवी काफी बेहतरीन है जहां पर इसमें धोखाधड़ी कारोबार चलती और अपनी प्रेमिका भैरव के साथ सुलझाने के साथ मुद्दे को संभालती है और साथ साथ उस रक्षा करने का फैसला करती है वहीं मुक्त रूप से फिल्म को पांच मई 2023 को रिलीज हुई थी फिल्म को डिजिटल आधिकारिक सोनी लाइव पर लाए गए थे जबकि सैटेलाइट आधिकारिक स्टार मां द्वारा लाए गए थे फिल्म को प्रीमियम दो जून दो को सोनी लिव पर प्रकाशित कर दिया गया था बात करें तो यह मूवी की द टाइम्स ऑफ इंडिया के नीतीश न्यायपति की जो लिखा गया रामबान द्वारा का सबसे बड़ा दोष यही है जिसमें पेशकश करने के लिए कुछ नया नहीं था और यह एक पेशकश करता हुआ सदा उबाऊ थी और एक सौ तेलुगु में से पांच में से दो दशमलव पांच सितारे दिए और लिखा कि रामबंध एक अधिनियम वाले व्यावसायिक पोर्टर बोर्ड है जिसमें कोई नया अनपन नहीं है वहीं पर गोविंद चंद के प्रयादर्शन में अपनी छमाही में कॉमेडी दृश्य और एक्शन सीक्वेंस के साथ फिल्म को केवल प्लेट प्लाइंट द्वारा द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र द्वारा लिखा गया जिसका निर्देशक श्रीनिवास की फिल्म के साथ व्यावसायिक मनोरंजन को पैकेज करने के साथ अपने प्रयास में विफल रही वहीं पर केवल इसकी पेचिंदा को कथनांग की गई जिसका किसी के साथ क्षमता को भटकाने के लिए मामले को जबरन करते के साथ बनाना गया वहीं पर इसमें बेजोरगारी को चुटकाले से सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा के, के चेरू कुरी के साथ पाँच में से दो दशमलव पाँच सितारे दिए और लिखा कि हालांकि फिल्म को कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से इसके पक्ष के खिलाफ काम करते हैं वह चाहे वह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों में शूट किए गए और तीनों अनमोल रोमांटिक नंबरों या इसके समयबंद को गलत विरोध रामा को बनाम द्वारा भारी लड़खड़ाते गए जहां पर अपर्याप्त संघर्ष का परिणाम निकलने बिना अपने नयन को उबर कर उठ गया जहां पर अपने बड़े पैमाने पर अनुपरमा के साथ देखे गए जहाँ पर त्रिकिस्टोन के कारण टेस्टो के वित और नगाधुर को पाँच में से दो सितारे दिए गए और लिखा गया कि रामबंध को कथा व्यावसायिक मनोरंजन जो शुरुआत में हासनीय सैनिक है लेकिन मानांतर के बाद इज्जत खो देता है वहीं पर गोविंद चंद जरूरतमंद करते हैं लेकिन लेखक को और निर्देशक प्रभावित करने के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं वहीं पर जीवन को दो भाइयों के इर्द गिर्द आजमाए गए और परखे गए हुए हैं जहाँ पर खाके में बदला है जहाँ पर फिल्म के कंपेयर के साथ राम वेंकट श्रीकल द्वारा लिखा गया राम बंद के ऐसे नाटकों को क्षणों को आवश्यक थी जो पात्रों और नाटकों को कृतियों से परे हैं जो बिंदुओं से चरित्र मजाक से तारीफ करता है और राजमराम द्वारा घर से शूटिंग स्थान जितना अच्छा दिखता है ऐसा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में एक शूटिंग स्थान और यह बिल्कुल जैसा दिखता है दृश्य के मंचों म्यूअर द्वारा अभिनेता के साथ फ्रेम आबादी और करके जो मुश्किल के संवाद को बोलते दृश्य आकृतियों की प्रस्तुति करते हैं वहीं पर कहा जाता है कि इसमें निर्देशक के रूप में श्री वास है जो भारतीय निर्देशक पाठकथा लेखक जो तेलुगु अभिनेता के रूप में अपने काम किया और जाने जाते हैं उन्होंने लोकनायक डायरेक्टर जैसी कॉमेडियन एक्शन सीक्वेंस फिल्म निर्देशक वहीं पर बात करें तो यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर निर्देशकों द्वारा देखे गए वहीं पर अभिनेता के रूप में गोविंद चंद है जिनकी बात करें तो इसका पूरा नाम टोटे पूरी गोविंद चंद है जिनका जन्म बारह जून उन्नीस को भारतीय अभिनेता के रूप में जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते एक्शन फिल्मों के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वह मुख्य भूमिका की थौलिक वालाओ के साथ देखे गए और अपनी शुरुआती जैव के साथ दो दो में निजाम और वर्षम के जैसी फिल्मों में विरोधी की भूमिका निभाई और 2004 के अवज्ञक सफल रही वहीं पर कहा जाता है कि इनकी प्रारंभिक जीवन गोविंद चंद के जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले के तंगू तुरुक के साथ हुए और पास के घर में हुआ था वह फिल्म निर्माता टी कृष्णन के छोटे बेटे और आठ साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई उन्होंने नील टेस्ट रोड ड्रामा के ओगेल द्वारा उनके पिता के द्वारा स्थापित और रामकृष्ण के मिशन स्कूली चेन्नई में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया और उन्होंने रूस के मैकोनिक इंजीनियरिंग अध्यक्ष किया जहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई रामचंद्र के मुथया सुब्रियान के अधीन को सहयोगी निर्देशक थे और उन्होंने के निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया हालांकि एक बार दुर्घटना से मृत्यु हो गई जहां पर गोविंद चंद उस व्यक्त रूप से थे जो निजा के संबंधी को दिक्कतों के चलते उनके अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हो सके और उनकी एक छोटी बहन भी थी जो दत्तक चिकित्सक थे वहीं, पर अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया जो एक साल के लिए डायलॉग का मॉड्यूल कोर्स किया जो वह प्रभास की वामसी द्वारा रेडी को बाद में प्रमोद के उपल के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर किया और उन्होंने अपनी भूमिका को यूपी क्रिप्स के मालिक के तेलुगु प्रमुखता में प्रोड्यूसर हाउस के गोविंद चंद द्वारा थिलु विक्रमा के साथ देखे गए जहां पर समीक्षा को उजागर करती है और बताती है वहीं पर अपनी फिल्मों के अजमेन द्वारा निजाम के साथ के नकारात्मक भूमिका को निभाई जहाँ पर जयन ने उनके प्रदर्शन के अंतिम संस्कार और सकारात्मक स्वागत के बाद उन्होंने फिल्मों के तामिल भाषा में उसकी श्रृंखला के रीमेक के साथ कार्य किया और अपनी भूमिका को दोहरी भूमिका के साथ 2004 में मनोविज्ञान के साथ अज्ञ अनुधारण के फिल्म के नायर के साथ रूप को काम किया और 2006 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल रामज व्यावसायिक रूप से असफल राजू के लिए अभिनय किया और उनकी 2007 की रिलीज ओकंडा नायडू और, और लक्षण जो 2008 के रिलीज हुई जो ओटारी में स्वयराम के साथ उन्होंने एक बार फिर से सूर्यम निर्देशक के रूप में देखे गए जहां पर दर्शकों के द्वारा अच्छा समीक्षा मिला वहीं पर उन्होंने 2010 के रिलीज गोली मेहरा में वास्तविकता जीवन वाले पुलिस दया नायर से प्रेरित होकर मुठभेड़ विशेषज्ञ भूमिका निभाई और देखा कि दो में उन्होंने गोकुंडा और वांटेड में अभिनय किया था लेकिन दोनों ने व्यावसायिक रूप से असफल रही और दो में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्मों के साथ सहमति व्यक्त की और निर्देशक चंद्रशेखर के ये लेट द्वारा कोडून के बाद ने साथ में काम किया और उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई दो हजार चौदह में उन्होंने वो कलिया में व्यावसायिक रूप से अभिनय किया और उनकी सबसे फिल्म बन गई वहीं जिले में स्वाख्यात में अभिनय किया और उन्होंने अभिनय के गौतम नंदा और ऑक्सीजन जो व्यावसायिक रूप से असफल रहे थे उनकी अगली फिल्म अदारू बुलेट की इस साल रिलीज होने वाली थी जो लेकिन दो तक पाई गई थी वहीं पर एक नियमित नाटक बन गया जिसमें एक नाटक झटका लगा था और उन्होंने पतंग के सतर्क के साथ व्यक्ति की भूमिका को निभाई जो उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी 2019 में उन्होंने चाणक्य एक जासूसी की भूमिका को निभाई और सितंबर 2021 में संपत सितम्बर द्वारा निर्देशन किया उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन के साथ सीमांतर को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही वहीं पर फिल्म के सह कलाकारों तमना और दिगन्ना सूर्यवर्सन के भूमिका को चावली के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों का पक्का सीएम पर रोकार काम किया जिसमें मारथुली के साथ देखे गए और उनके निर्देशन को कार्य किया और युवा क्रिप्ट को पर्यटक के रूप में निर्मित किया जहां पर उन्होंने अपनी मुख्य नायिका के शार्किक को देखा गया और श्रीनिवास के साथ निर्देशन की अगली फिल्म थी और राम जनवरी को 2023 को घोषित किया गया और यह फिल्म श्रीनिवास के गोविंद चंद के हैट्रिक संयोजक की वापसी का प्रतीक था जो गोविंद चंद के तीस फिल्मों में चिन्हित किया गया उनकी फिल्म को पालन पोषण और आंध्र प्रदेश के तेलुगान था उन्होंने दो के साथ तेलुगु अभिनेता श्रीकांत के भतीजे को सहकृत किया वहीं अभिनेता के निर्देशक के रूप में संपत है जो संपत नंदनी के नाम से जाने जाते हैं जिनका जन्म 20 जून 1980 को भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता जो प्रमुख तेलुगु सिनेमाओं में काम करते हैं वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है इसमें दंपत के साथ नंदनी को 20 जून 1980 का जन्म हुआ इनकी बात करें तो इनकी आजीविका की तो वीएस कॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस के फॉर्मिंग के साथ बी फॉर्मन द्वारा स्थानांतरित की डिग्री को पूरा करने के बाद नंदिनी ने पौषानिक कृष्ण के मुरली को लगभग तीन वर्षों तक तो सहायक की इस बीच वह मुंबई और बेंगलुरु में विज्ञापन फिल्म बनाते हैं जहाँ पर दो में नंदनी ने अपने निर्देशन की शुरुआत करता है योगे नदी ईल वेलवास में जिसमें वरुण संदेश को और निशा के अग्रवाल ने अभिनय किया जहाँ पर बत्तीस केंद्रों में पचास दिनों तक चलने के साथ यह भी उल्लेखनीय शुरुआत किया था उनकी दूसरी फिल्म 2012 में रांचा थी जिसमें रामचंद्र के निर्देशक और तमन्ना भाटिया के साथ देखे गए वहीं पर इनके आंध्र प्रदेश को लेकर एक सौ प्रत्यक्ष केंद्रों में बहत्तर और पचास दिनों तक दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की और तेरह जुलाई तक दो में आंध्र प्रदेश में अड़तीस केंद्रों में सौ से अधिक दौड़ पूरा किया जहाँ पर बताया जाता है कि 2015 में नंदिनी और रेवा और तवीजा के साथ फिल्म टाइगर बंगाल के नंदिनी के साथ तामन्ना और रश्मिका खन्ना और मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई टाइगर द्वारा 10 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया इसके संपत नंदिनी को गोविंद चंद के साथ सीतारमन के लिए काम को जो भारत खेल कबड्डी पर आधारित थी और फिल्म के मुख्यात शूटिंग दिसंबर दो में हुई थी दो के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया और यह फिल्म 10 सितंबर 2021 को पूरा हुआ बताया जाता है कि इसमें रांचा को भी और गोवंद नंदा को देखा जाता है वहीं पर दूसरी और बात करें तो इस फिल्म की तो इस फिल्म का उल्लेखनीय गोविंद चंद्र भी एक अभिनेता के रूप में बहुत बेहतरीन है वहीं पर डिम्पल हायाता भी है बात करें तो डिम्पल हास्थी की जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से तेलुगु तमिल फिल्मों में काम करती है इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ जो तमिल के पिता तेलुगु भाषी माँ के घर में हुआ था उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था उनका माता डिम्पल के रूप से जाना जाता था लेकिन बाद में संख्यात्मक कारणों से उन्होंने अपना अंतिम नाम हाथी और हास्ती के साथ छोड़ लिया था वहीं पर आयती ने 19 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म के साथ गल्फक 2017 में डेब्यू करके अपने फिल्म करियर की शुरुआत करने के बाद हाथी के दीभाषी को फिल्म को देवी श्री प्रसाद द्वारा 2019 में अभिनय करने का फैसला मिला जहां पर पहले तेलुगु फिल्म यूरेक द्वारा इसे संदर्भित किया वन तेजा के अर्थवैदिक जगपति बाबू देखे गए वहीं पर बात करें तो इसमें जगपति बाबू जिनका पूरा नाम वीराज चेन्नी जगपति चौधरी है जिनका जन्म बारह जनवरी उन्नीस को हुआ था जिन्होंने पेशावर रूप से जगपति बाबू उच्चारण सहायक जानकारी के लिए जाना जाता है जो भारतीय अभिनेता जो प्रमुख रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तमिल कनाडा मलयालम फिल्मों में दिखाई देते हैं और तैतीस साल पहले करियर बाबू के सत्तर एक सत्तर पिक्चर फिल्मों में अभिनय किया और चार फिल्म एयर पुरस्कार साथ रंजनी राज्य पुरस्कार जीता वहीं पर उन्होंने कोडिंग रामकृष्ण एस बी जी रामकृष्णन के द्वारा गोपाल कृष्ण वर्मा के साथ वामसी के इविंद सत्यानंद और गुणशेखर के रामचंद्र शेखर द्वारा ये लिट द्वारा किया गया जहाँ पर समीक्षा को उजागर करती है और इसे राजा जीडी चक्रवर्ती के बोयापिक श्रीनु जैसे प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम किया गया जो कुमार के जगपति बाबू को 12 फरवरी उन्नीस को मछलीपट्टन में अनुभवी निर्माता निर्देशक पीवी राजेंद्र प्रसाद के घर में हुआ था वहीं पर उजागर करते हुए तेलंगाना तमिलनाडु के लायर्स में लाया उन्होंने लक्ष्मी शादी और उनकी बेटियों को देखा जहां पर बाबू के तेलुगु से मां सब प्रभाव के उन्नीस फिल्म में अपनी शुरुआती की जो पिता के निर्मित द्वारा मधुसूदन के साथ देखे गए और इसके निर्देशक को कला निर्देशक की भूमिका दी गई वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को उजागर करते हुए बोले गए बताया जाता है कि कहां से आपने समीक्षा को लाया और वह काफी बेहतरीन है वहीं पर रावी निर्देश और उनके एडिलो के अभिनय द्वारा अभिनय किया जहाँ पर उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी उन्नीस के रिलीज पौदार कमिक के साथ हुआ और उन्नीस में राम के साथ बताया गया समीक्षा को उजागर कर दिया गया और समीक्षा के साथ इसे सकारात्मक शर्ती क्रिया के साथ देखे गए वहीं पर बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीन है जहां पर जगपति बाबू के निर्देशक में बनाया गया था कहा जाता है कि इस मूवी की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है तो बताया गया कि काफ़ी बेहतरीन और समीक्षा को मिला कहा गया अपने समीक्षा में उजागर किया और इसे फिल्म के साथ तैंतीस साल के करियर के साथ देखे गए और 170 से अधिक फिल्मों में काम किया वहीं पर वर्तमान में सहायक 2014 के बाबू ने अपनी पसंदीदा भूमिका को तरह से बदलकर रख दिया और यह तब तक प्रमुख अभिनेता थे जो अब तक अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखने के लिए विरोध और सहायक भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से सभी भूमिका निभाने का फैसला किया इनमें से नंदमुरी बालकृष्णन स्टार लेजेंडर थे जिनमें पहली बार विरोध भाषा की भूमिका को निभाई वहीं पर समीक्षा को उजागर कर दिया गया और कहा जाता है कि इसमें बेहतरीनों से बेहतरीन उजागरों के तरह प्रमुखता अभिनेता के साथ अपने करियर ग्राफ को बनाए रखे वहीं नंदनी बालकृष्ण के साथ बाल गंगाधर में देखे गए और इसके समीक्षा को बताया गया वहीं पर सुकुमार के साथ नंदन में लाया गया और अवरपति की भूमिका निभाई थी जिसमें सराहा गया और उन्होंने मात को जगुआरा प्रति पक्षी की भूमिका निभाई उन्होंने मलयालम फिल्म पुलिस मुर्गना के मोहनलाल के साथ भूमिका निभाई और दो में उन्होंने रारोइड के वेदुका चुमन में नागा चैतन्य के पिता की भूमिका निभाई वहीं पर 2018 में रंगनास्थलम सुकुमार द्वारा निर्देशित बाबू और नामांकित के एक दमनकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई जहां पर दो बिलियन से अधिक बार कई वाला रंगस्थल के साथ देखे गए बताया जाता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन है वहीं पर शरत रंगनाथ रंगनास्तर के साथ अपने तेलुगु इसके गुंडाचारी और बांग्लादेशी आतंकवादी की भूमिका निभाने के साथ स्लीपर हिट बन गई उनकी भूमिका को चित्र विक्रमा श्रीनिवास द्वारा देखे गए उसे उजागर किया गया और बताया गया कि यह मूवी काफ़ी बेहतरीनों में से शुमार है वहीं पर दूसरी ओर समीक्षा को लाजगढ़ उल्लेखनीय बनाती है और महर्षि के थियर्स नरसिम्हा रेड्डी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जहाँ पर अपने परवीन को देखा गया वहीं पर बात करें तो इसमें अपने आजीविका करियर की जो श्रीकर प्रसाद मारतंड द्वारा जीव प्रकाश के साथ प्रभु सुधा के नवीनतम को देखा गया रामबान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा तेलुगु के साथ रिलीज किया श्रीनिवास जगपति भूमि पति राजा द्वारा लिखे गए और कहानी पर गोविंद चंद्र डिम्पल हाथिक जगपति बाबू नारसंग वेनला किशोर तिरुवंत अरोरा और निर्माण के पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टी जी विश्वप्रसाद के विवेक कुछ बोड़ा द्वारा किया गया जिसमें साउंड अटैक और बैलग्राउंड को स्कोर की रचना मिक जे मेयर द्वारा कहा जाता है वहीं पर समीक्षा को उजागर करती है और उसे बताती है वहीं पर दूसरी ओर कहा जाता है कि राम बल गंगाधर के साथ कहा गया और इसके समीक्षा के साथ बताया गया वहीं